एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज तो रात के बज गए 8 और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो। तो आपको दिखाऊँ, शाम को धोए थे कपड़े, तो हालत दिखाती हूँ अभी बेड की क्या हो रही है। तो मैंने सोचा वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ, कई दिन हो गए, कल के लिए वीडियो भी नहीं है। मेरे बेड की हालत, और ये मैंने चादर वगैरह सब धो दिए, तो मैं अभी फटाफट कपड़ों की तय मारती हूँ, चादर बिछाती हूँ। तो जी सबसे पहले मैं बेड अपना क्लीन कर लूँगी, सारा सामान नीचे डाल दूँगी, उसके बाद मैं दो चादर बिछाती हूँ, क्योंकि ये मोटी वाली चादर नीचे बिछानी पड़ती है, वरना चादर जो है ना हमारी जो इसके ऊपर बिछाएंगे तो वो फिसलती रहती है वरना। तो ये जो मोटी वाली बिछाई है ना, तो इसको बिछा दो तो फिर फिसलती नहीं है, तो इस वजह से मैंने नीचे मोटी बिछा दिया। मैं आज चेंज कर रही हूँ थोड़ी सी चादर, तो क्योंकि वही हर रोज़ वही तो अच्छा नहीं लगता। वैसे तो मैंने वो धो दिए, तो ये लीजिए मैंने तकिए के कवर भी चढ़ा दिए अपने, अब देखिए कितनी सुंदर लग रही है। बस ये है कि उससे बेड ढक जाता है तो और भी सही लगता है, लेकिन ये भी सही लग रही है। तो अभी मैं सारा रूम एकदम सेट कर देती हूँ और फटाफट सबसे पहले मैं सबके कपड़े अलग अलग कर दूँगी और उसके बाद मैं तय लगाऊँगी। तो जी लीजिए कपड़े हो गए अलग, सबसे पहले मैं हस्बैंड के कपड़ों की तय लगा रही हूँ, उसके बाद धीरे धीरे सारे कपड़ों की तय लगाऊँगी। फाइनली 6 घंटे हो गए इसमें लगे हो, अब क्लीन हुआ मेरा रूम। आपको दिखाती हूँ आप कितना सही लग रहा है। चादर भी मैंने चेंज कर दी है, मैंने कहा थोड़ा अलग भी बिछाना चाहिए कभी कभी। और आप देख सकते हैं तकियों के कवर भी मैंने चढ़ा दिए, बस उसका तकिए कवर नहीं है सेम, बाकी सब क्लीन हो गया, अब मस्त लग रहा है ना। तो मैंने कहा वो धो तो दी थी मैंने वो वाली जो चादर थी, लेकिन फिर मैंने कहा सेम हो जाएगी है ना, थोड़ा अलग चेंज भी करना चाहिए। तो एक और चादर है मेरे पे पिंक, तो कभी कभार वो बिछा दिया करूँगी, थोड़ा चेंज करके बिछा दे रहा हूँ ना, तो लुक चेंज हो जाता है रूम का। और ना आज मैंने अपना ड्रेसिंग भी क्लीन करा था, जो भी फालतू की चीज़ें थी वो फेंक दी और सही से अच्छे से जमा दिया। आपको दिखाऊँ, ये देखिए दिख रहा है, ये देखिए नीचे तक बेकार की जो भी चीज़ भरी हुई थी ना वो सब फेंक दिया और मैंने सही से सब सेट कर दिया है ना, अच्छा लग रहा है। बैक कैमरे से दिखाऊं। तो जी लीजिए आज मैंने अपने किचन की भी डीप क्लीनिंग कर दी है, बहुत ही अच्छे से सब धो धो के लगाया है, किचन पूरी कर दी मैंने आज क्लीन। ये देखिए डब्बे डुब्बे सब मैंने सही से सेट करे हैं सारे, ये देखिए धो धो के। तो आज सफाई अभियान चल रहा है हमारे घर में, आप देख सकते हैं पूरी किचन मैंने एकदम अच्छे से क्लीन कर दी है। आपको दिखाऊं खाने में क्या बनाया मैंने, अभी जस्ट बनाया बैंगन का भरता, ये देखिए है ना, बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में। अभी मैं फटाफट बनाऊंगी रोटियां, उसके बाद लग रही है गर्मी बहुत ज़्यादा, चलेंगे हवा खाएंगे ऊपर रूम में। तो जी लीजिए आज मैंने फाइनली अपना फ्रिज भी एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया, सब रैग निकाल निकाल के धो के तब लगाई है मैंने। तो जी क्लीन हो गया मेरा फ्रिज भी, क्लीन हो गया किचन भी, क्लीन हो गया रूम भी, क्लीन हो गया ड्रेसिंग भी, क्लीन हो गई। अच्छे से क्लीन करने के बाद अब मैं लग गई हूँ रोटी बनाने, क्योंकि भरता पहले ही बना लिया था मैंने। लीजिए मेरी रोटी भी बन गई है, भरता और रोटी। सो एवरीवन, तो गर्मी के मारे जान निकल गई, तो आप सोच रहे हो रात को पता नहीं क्या लगी है इसको सफाई करने की, तो पता है सुबह सुबह ना स्कूल के चक्कर में मैं जल्दी फल्दी में कर देती हूँ नीचे का सारा, तो मैं कई दिनों से सोच रही थी डीप क्लीनिंग करूँगी। तो फाइनली अभी मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग करी है, किचन भी पूरा क्लीन कर दिया धो धा के डब्बे सब पे, और फ्रिज भी पूरा जो भी उनके रैग वगैरह होते हैं ना वो सब धो दिए, और अपना रूम भी पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया। अब जाके ऐसा लग रहा है कितना हल्का हल्का सा ना। तो अभी हम खाना खा लेते हैं, आज हस्बैंड भी जल्दी आ गए हैं तो सारे एक साथ बैठ के खा लेंगे। तो जी इसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं करा था, और हम लोग एक मूवी आ रही थी वो देखते देखते फिर हम लोग सो गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।